हेलो फ्रेंड्स, दूध रोटी तो आपने बहुत खाई होगी, बट आज मेरे तरीके से बनाकर देखिए। आप तुरंत ही बनाने निकल जाओगे किचन में। तो आज मैं मेरे बेबी के लिए बना रही हूँ, तो चलिए हम देखते हैं उसके लिए क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक आटे की लोई ले ली है, अच्छे से इसे फ्लोर में डस्ट करेंगे और इसका हमें एक मीडियम रोटी बेलना है। मैं इसका पराठा बना रही हूँ। आप अगर सिंपली रोटी में देना चाहे तो दे सकते हैं, बट मुझे पर्सनली पराठे में दूध रोटी देना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे गेहूं का आटा। इसका हमें रोल बना लेना है, इससे ना पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। बस सिंपली इसका रॉड बना लेना है, इसका हम रोल कर लेंगे और इसे बेल लेना है। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरीके से। आपको सच बताओ ना, आपका बेबी मांग मांग के खाएगा। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना जब इस तरीके से आप दूध रोटी बनाएंगे। वैसे भी हम बचपन से खाते आ रहे हैं, यम्मी। तो यहाँ पे पराठा रेडी है। एक पैन को हीट कर लिया था, उस पर मैंने डाल दिया है इसके। इसे हम अलट पलट कर सेक लेंगे घी डाल के अच्छे से, एक पूड़ी मेकर की सहायता से। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेक लेना है। तो हमारा पराठा बनके रेडी है, एकदम गर्मा गर्म। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे ना तो सुबह की रोटी का भी बना सकते हैं। हाँ, सिर्फ बासी रोटी हमें कल वाली रोटी नहीं चाहिए, आज ताजी रोटी वाली ही रोटी चाहिए है। तो हमारा पराठा रेडी है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका हम चूरमा बना लेंगे। हमें इससे बारीक चूरना है। अब एक कढ़ाई को मैंने हीट कर लिया है, आप चाहे तो पैन ले लीजिए। यहाँ पे मेरे पास छोटा पैन है, उसे मैं हीट कर लूँगी। इसमें जाएगा 1 टीस्पून जितना घी, उसमें मैं डाल दूँगी रोटी का चूरमा। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है, बट बस थोड़ा ही हमें करना है। इसमें जाएगा 1/4 कप जितना पानी, इससे हमारी रोटी नरम हो जाएगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप जितना मिल्क। यहाँ पे मैंने काउ मिल्क लिया है। ये आप 8 से 9 महीने मंथ के बेबी के लिए भी दे सकते हैं। इसमें आप सिर्फ शुगर अवॉइड करेगा, बाकी आप ये आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा नट्स पाउडर, प्रोटीन पाउडर, जो कि मैंने ऑलरेडी रेसिपी शेयर की है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा शुगर, चाहे तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए होने देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से अब्सॉर्ब हुआ है हमारी रोटी मिल्क में। तो बस ये वाला रेडी है, आप इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म। इसके ऊपर 1 टीस्पून घी ऐड कीजिए और अपने बेबी को फीड कीजिए, उसे इतना मज़ा आएगा ना खाने में, सच बता रही हूँ। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना। आप भी खा सकते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, किस कोई भी ये वाली रेसिपी आराम से खा सकता है। तो चलिए मिलते हो अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।